हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जितेश। तो गाइस, आज करेंगे हम कुछ एक्सपेरिमेंट। कैसा? कुछ अलग सा। ऐसे गाइस, यार हम घर में बहुत चीजें यूज करते हैं तो हमें पता नहीं होता यार किस चीज के साथ क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट लाया हूँ जो आपको लगेगा यार ऐसा भी कोई एक्सपेरिमेंट हमारे सामने हो सकता था या इस चीज से एक्सपेरिमेंट पॉसिबल था। तो आज ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे उन चीजों से जो चीज हमारी डेली वेजेस में घर पे यूज होती है। तो गाइस, मार्कर आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में, क्या मार्कर। तो आज के एक्सपेरिमेंट होगा इस मार्कर से। मार्कर आपको पता ही होगा यार, अगर हम इसको मार्कर को लिखते हैं तो ये परमानेंट सा होता है और इसकी इंक बहुत ही पावरफुल सी होती है। तो आज इसकी इंक से ही कुछ करेंगे। क्या करना है हमको, सिर्फ मार्कर लेना है, ऐसे ऑन करना है, इसको खोल देंगे अपन। ऐसे करते हैं, मार्कर खुल जाता है गाइस। पूरा बचपन में हम बहुत खेले यार ऐसे करके। आप खेले या नहीं मुझे नहीं पता। देखिए, मार्कर की इंक कुछ होती है इस प्रकार की, देखा आपने, कुछ ऐसी ब्लैक पूरी होती है यार। हाँ, बहुत ही बुरी स्मेल आती है इसमें, बहुत ही बुरी। कुछ नहीं करना होगा, हमें खाली बॉटल लेनी है। ये बॉटल हमें प्लास्टिक की मिल जाती है, बिस्लेरी वगैरह की, जिसमें पानी वगैरह पीते हैं। कुछ नहीं करना, ढक्कन हटाया, ये मार्कर की इंक होती है, सिर्फ इसके अंदर डाल देनी है। कैप लगाया, हमारा 50% एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया गाइस। 50% एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, हमने सिर्फ इंक इसके अंदर डाल दिया। अब बस कमाल क्या होगा, इसको हमें अच्छे से शेक करना है। गाइस, शेक करने में दिख रहा है आपको, देखो इंक बाहर आ रही है इसकी। तो इसको अच्छे से शेक करते हैं, पूरे में इंक आ जाने चाहिए। गाइस देखो, बॉटल कैसे पूरी ब्लैक हो चुकी है इस वक्त, पूरी बॉटल ब्लैक हो चुकी है। जो मार्कर की इंक थी वो पूरी प्लास्टिक पे आ चुकी है। थोड़ा सा और करते हैं, लग रहा है डमरू बेच रहा है। तो गाइस, इतना मुझे लगता है बहुत होगा। अब करते हैं एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग। कैसे रखी बॉटल, काम आएगा मेरे एक लाइटर। लाइटर के साथ कुछ नहीं करना गाइस, इसको सिर्फ खोलना है। हमने खोला ऐसे, कुछ नहीं गाइस, बस इसके आगे मुझे लाइटर लगाना है। 1 2 3 गाइस देखा, सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में बॉटल की ये हालत हो गई। और जो फ्लेम आई थी गाइस, बहुत ही तेज पावर की थी यार। उसकी आवाज मेरे कानों में अब तक है, इतनी तेज पावर से निकली थी वो फ्लेम। आपने देखा होगा ऐसी फ्लेम जब हम रॉकेट वगैरह चलाते हैं तब होती है वो। पर गाइस, इसे देख के मजा ही आ गया, सेकंड्स में हुआ। तो यार, एक बार में तो मजा नहीं आया, तो इसको और ट्राई करते हैं थोड़ा सा दूसरी बॉटल के साथ। करता हूं दूसरी बॉटल लाता हूं, फिर दोबारा करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइस, आती है पार्ट 2 की बारी। एक बार और ट्राई करेंगे इसको, देखते हैं क्या होगा यार। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा लाइट बंद करके, पहले मैं सही से दिखाई नहीं दिया हुआ है गाइस, इस बार बहुत मजे से लाइट बंद करके देखेंगे इसकी फ्लेम कैसी दिखती है पूरी। तो मैंने इसके अंदर इंक डाल दिया, वापसी से इसको शेक करना है मुझे। तो गाइस, बहुत मेहनत करने के बाद हमारी बॉटल रेडी हो गई है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइट्स बंद करेंगे और इस कैप हटाने के बाद होगा धमाका। तो पहले हटाता हूँ कैप। कैप हटा दिया मैंने, लाइट्स ऑफ, सिर्फ एक लाइट रखेंगे गाइस। अब देखते हैं फ्लेम कैसे दिखती है। मैं आपके सामने से हटता हूँ थोड़ा, तो आपको और अच्छा सा फ्लेम दिखेगा थोड़ा।
देखा यार आपने कैसे एकदम फ्लेम बाहर है, इतनी तेज थी यार उसकी पावर, इतनी तेज थी आवाज, बहुत ही तेज थी गाइस उसकी। इस वक्त मैं बॉटल पे टच कर रहा हूँ तो गाइस बॉटल भी बहुत गर्म है। बॉटल की शेप देखो एक बार आप, बॉटल पूरी इतनी भयंकर अलग शेप में हो गई ना, बिल्कुल अलग शेप, जैसे किसी चीज में आग लगाते उसको और उसकी शेप बदल जाती है ना, ऐसे ही बॉटल की पूरी शेप बदल गई गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी और लगा हो कुछ यूनिक तो प्लीज यार वीडियो करना लाइक और चैनल को लो सब्सक्राइब। आपके लिए यार हम बहुत सारे मेहनत करते हैं, दिन रात वीडियो शूट करते हैं, तो गाइस आप भी यार थोड़ा सा दिखाओ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है ताकि हम भी उस चीज से मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स लाते रहे। तो गाइस अब मिलते हैं दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।